वैसे तो दोस्तों आपने दुनिया भर में ना जाने कितने ही तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई पेड़ इतना बड़ा और विशाल हो सकता है कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाए? नहीं तो चलिए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े पेड़ों के बारे में, जिन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप इस रेड वाले बटन को दबाकर इस घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें। द ग्रेट बेनियन ट्री। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ एक बरगद का पेड़ है, जो कि और कहीं नहीं बल्कि इंडिया के कोलकाता शहर में मौजूद है। हैरानी की बात तो यह है कि कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटनिकल गार्डन में मौजूद ये पेड़ एक या दो नहीं बल्कि पूरे 144,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे तो इस गार्डन में इस पेड़ के अलावा 150 तरह की और भी कई प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन देश विदेश के पर्यटकों के लिए ये पेड़ ही अक्सर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि लोग दूर दूर से सिर्फ इस पेड़ को देखने के लिए यहाँ आते हैं। जानकारी के मुताबिक गार्डन तकरीबन 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें से ज्यादा जगह इस पेड़ ने ही घेर रखी है, और इसकी इसी खासियत की वजह से इस पेड़ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। वैसे देखने वालों के लिए ये पेड़ किसी जंगल से कम नहीं है। दरअसल बरगद के पेड़ पानी की तलाश में अपनी शाखाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, और वही शाखाएं बाद में जाकर पहले जड़ों में और फिर एक नए पेड़ में तब्दील हो जाती हैं। बस यही कारण है कि आज इस पेड़ की 2800 से ज्यादा शाखाएं मौजूद हैं। हाइपेरियन। हाइपेरियन की खोज 25 अगस्त 2006 को क्रिस एंटकिस और माइकल टेलर ने रेडवुड नेशनल पार्क में बहुत ही दूर दराज इलाके में की थी, और माना जाता है कि यह लगभग 700 से 800 साल पुराना है। बता दें कि इस वृक्ष की लंबाई 379.7 फीट है, यानी कि 115 मीटर, जो कि अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसकी लंबाई 93 मीटर है, उससे भी कई गुना ऊंचा है, इसलिए इस वृक्ष का नाम हाइपेरियन रखा गया। कई खोजकर्ताओं का कहना है कि यह पेड़ 380 फीट से भी अधिक ऊंचा हो सकता था, लेकिन कठफोड़वा नामक पक्षी ने इस वृक्ष के ऊपरी भाग पर काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण इसकी हाइट बढ़ना रुक गई। जनरल शेरमान। जनरल शेरमान दुनिया का सबसे बड़ा सिक्वोया पेड़ है। यह पेड़ कैलिफोर्निया के सेकोया नेशनल पार्क में पाया जाता है, और इसका आयतन 1500 क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा है। बता दें कि इस पेड़ की चौड़ाई 25 फीट है और लंबाई 274 फीट यानी कि 83 मीटर है। इस पेड़ की खोज जेम्स वॉल्टन नाम के एक व्यक्ति ने 1879 में की थी। वॉल्टन ने सिविल वॉर के दौरान अपने बड़े अधिकारी जनरल विलियमसन शर्मन के साथ काम किया था, इसलिए वॉल्टन ने इस पेड़ का नाम अपने पूर्व अधिकारी के नाम पर ही रख दिया। इस पेड़ की उम्र सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। बता दें कि यह पेड़ 2700 साल पुराना है, और यह दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। यह पेड़ कई बार आग, जलवायु परिवर्तन और आधुनिक मानव समाज से आज भी बचा हुआ है। अर्बल डेल ट्यूल। यह पेड़ मेक्सिकन राज्य ओक्साका के सांता मारिया डेल ट्यूल के शहर के बीच में स्थित सरू का पेड़ है। इस शहर का नाम भी इसी पेड़ के नाम पर रखा गया था। यह पेड़ लगभग 1400 साल पुराना है। इस पेड़ के तने को दुनिया में सबसे चौड़ा पेड़ का तना माना जाता है, जिसकी चौड़ाई 11.62 मीटर यानी कि 38 फीट है। इस पेड़ की लंबाई ज्यादा नहीं है, फिर भी इसको 2005 में लेजर के द्वारा मापा गया था, जो कि 116 फीट थी। पहले लोगों का मानना था कि इस पेड़ के अंदर कई और पेड़ भी मौजूद हैं, लेकिन बाद में जांच से पता चला कि यह सिर्फ एक ही पेड़ है। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में पाया गया कि पानी की कमी और भारी प्रदूषण के कारण पेड़ धीरे धीरे सूख रहा है। लॉस्ट मोनार्च। यह पेड़ नॉर्थ कैलिफोर्निया के जंगलों में मौजूद है। इस पेड़ की खोज 11 मई 1998 को स्टीफन सिलेट और माइकल टेलर द्वारा की गई थी। इस पेड़ की चौड़ाई 26 फीट और लंबाई 320 फुट यानी कि 91 मीटर है, जो कि अमेरिका के स्टेचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है। जंगलों में होने के कारण यह पेड़ आम इंसानों की पहुंच से दूर है, और यह पेड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पेड़ है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े पेड़। दोस्तों इनमें से आपको सबसे बड़ा और विशालकाय पेड़ कौन सा लगा है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।
मैं मिलता हूँ एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।